हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ कच्ची हल्दी की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। इसके लिए ली है मैंने 500 ग्राम कच्ची हल्दी, जो धोकर छीलकर कद्दूकस कर ली है मैंने। 400 ग्राम घी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। लहसुन और अदरक बारीक कटे हुए, दही, हींग, प्याज बारीक कटे हुए, लाल व हरी मिर्च, मटर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी ले लिया है। एक कटोरी घी मैंने अलग से निकाल के रखा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये हल्दी। इस हल्दी को लगभग हम 10 से 15 मिनट तक इस घी में पकाएंगे। ऐसा करने से जो कच्ची हल्दी में जो कड़वाहट होती है वो खत्म हो जाती है। अब हमारी कढ़ी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसे हमें लगातार हिलाते रहना है। शुरुआत में हल्दी थोड़ी चिपकती है, तो ध्यान रहे आप इसे लगातार हिलाते रहें। वो भी धीमी आंच पर। सर्दियों में आप जरूर हल्दी खाएं, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। अब हमारी हल्दी लगभग पक चुकी है। अब मैंने दूसरी कढ़ाई में जो एक कटोरी घी रखा था वो ले लिया है। इसमें मैंने ऐड किया है हींग, लहसुन और अदरक। अब इसमें ऐड करूंगी दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई और लाल मिर्च। दो बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए मैंने। इन सबको अच्छे से भून लेंगे हम। हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कटोरी मटर। आप चाहे तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये हल्दी की सब्जी है तो इसमें हल्दी तो ऐड नहीं करेंगे। ये हल्का फ्राई होती है, हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब इसे हम लगातार हिलाते रहेंगे जब तक ये एक उबाल नहीं आ जाता। एक ही साइड लगातार हिलाते रहेंगे। अब हमारी ग्रेवी पक के एकदम तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे ये हल्दी। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको घी कम लगे तो आप ज्यादा ऐड करें। अब सबसे लास्ट में ऐड करूंगी मैं इसमें नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी हल्दी की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। आप इसे गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।